आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं चार तरह के परवल रेसिपी, फोर टाइप्स परवल की रेसिपी जो है ना वो हम आपके साथ आज हम आपको बताएंगे, और आप इसे एंड तक देखिए। और ये एक यूनिक सा रेसिपी है, आप जो है ना एक बार इसे बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। और मेरा जो रेसिपी होता है ना, आप मेरे चैनल को देखिए तो आपको पता लगेगा कि मेरा जो भी रेसिपी होता है वो बिल्कुल ही आसान तरीके से बनाया गया, सभी जो है ना सो बहुत ही आसान तरीके से बनाया होता है, इसीलिए आपको कोई मेहनत भी नहीं लगेगा और आप झट से बना लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रंजना और रंजना किचन में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो पहले हम बनाएंगे मसाला परवल, जो कि आप एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे। इसे परवल को इस तरह से ले लेंगे, धो करके इसे हम इस तरह से दोनों तरफ से कट कर लेंगे। ये दोनों तरफ से कट कर लेंगे ना, तो इसके अंदर जो है नमक चला जाएगा। और क्या करेंगे, बॉईल आलू लेंगे, आलू को बॉईल कर लेंगे। और ये प्याज और लहसुन का पेस्ट, और ये है मीट ये जीरा ले लेंगे, ये तेज पत्ता ले लेंगे, ये नमक ले लेंगे, ये मीट मसाला ले लेंगे, ये हल्दी पाउडर ले लेंगे, ये लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे। अब ये सब्जी को ना कुकर में बनाएंगे। अब हम कुकर में क्या करेंगे, तेल गरम करेंगे और परवल को हल्का सा जिसका कलर चेंज करना है हल्का ही फ्राई करेंगे। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे और इसे हम हाई फ्लेम पर इसे बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, जो हल्का ग्रीन ही रखना है, बस थोड़ा सा कलर चेंज करना है इसका। ये देखिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। आप कुकर में बनाएंगे ना तो आपको बेहद ही टेस्टी लगेगा। अब हम क्या करेंगे, एक चम्मच जीरा डालेंगे, तेज़ पत्ता डालेंगे और हम इसे अच्छे से चला लेंगे। और प्याज और लहसुन का जो पेस्ट था ना, तो उसको हम भून लेंगे, उसका जो है सो थोड़ा सा उसको। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को मीडियम कर देंगे और थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। नमक तो पहले भी डाले थे इसलिए कम नमक डालेंगे। और ये मीट मसाला डाल देंगे, एक छोटी चम्मच मीट मसाला, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डालेंगे। और इसे हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम जो है ना वो हम लो कर लेंगे। और ये देखिए थोड़ा सा भुन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें आलू डाल लेंगे। और आलू डाल के वैसे ही जब हम मसाला भुनेंगे ना, तो उसी समय से हम फ्लेम को क्या करेंगे, एकदम लो कर देंगे। और अब हम परवल डाल देंगे, और परवल डाल के हम इसे लो फ्लेम पर भुनेंगे, 5 मिनट तक भुनेंगे इसे हम। और थोड़ा सा आप ढक के पकाएं तो और टेस्टी बनता है, इसीलिए मीडियम फ्लेम पर इसे हम ज़्यादा तेल भी नहीं डालेंगे। और ये देखिए मीडियम फ्लेम पर इसे भूनिए, और इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल देंगे, आधा कटोरी जो है ना वो हम पानी डाल देंगे। और इसे हम क्या करेंगे, इसे बंद कर देंगे और एक सीटी लगने देंगे। एक सीटी लग चुके हैं, अब देखिए ये कितना, ये बहुत टेस्टी सब्जी बनता है, यम्मी सा सब्जी बनके तैयार है। आप इसे अब सर्व करिए, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ये देखिए वाओ। अब हम इसे क्या करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से बन गया। अब हम बनाएंगे परवल फ्राई। इसके लिए हम क्या करेंगे, परवल को अच्छे से धो लेंगे, छील के लंबे लंबे काटेंगे और बीच से कट कर लेंगे इसे भी। इस तरह से हम बीच से इसे कट कर लेंगे। और ये एक मीडियम साइज का प्याज, 3 लहसुन, ये मीट मसाला, ये हल्दी पाउडर और ये नमक। अब हम क्या करेंगे, प्याज और लहसुन का जो है सो पेस्ट बना लेंगे। और ये प्याज लहसुन का पेस्ट बन गया। अब क्या करेंगे, पैन में तेल गरम करेंगे और परवल को भूनेंगे। इसे हम क्या करेंगे, इसे मीडियम फ्लेम पर जो है आप मीडियम फ्लेम पर पकाएं, तभी जो है ये सीझेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, और नमक हल्दी डाल के क्या करेंगे, इसे हम भूनेंगे और ढक के जो है ना सो 5-10 मिनट के लिए आप ढक दें इसे। और इसको परवल को ना फैला करके रखें और इसे 5-10 मिनट के लिए ढक दें। अब जो हमने पेस्ट बनाया था उसे पेस्ट को डाल देंगे, प्याज लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल देंगे।
अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखेंगे। लो फ्लेम पर इसे हम भूनेंगे और इसे हम ढक देंगे। ढक ढक करके इसे जो है ना उसे पकाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से कम तेल में पक जाएगा, पक भी जाएगा और टेस्ट यकीन मानिए आप एक बार इसे बना करके देखिए और है ना बिल्कुल ही आसान देखिए। और ये लजीज जो है मैं परवल फ्राई यो बनके तैयार है और आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे परवल का भाजा। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह से परवल को लंबे लंबे कट कर लेंगे और हम ये प्याज और लहसुन का पेस्ट ले लेंगे। इसमें क्या करेंगे, 2 चम्मच जो है सो हम चावल का आटा मिला देंगे, नमक और रिफाइंड थोड़ा सा 1 चम्मच रिफाइंड मिला देंगे, हल्दी पाउडर मिला देंगे, लाल मिर्च पाउडर मिला देंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आप चावल के आटा में बनाएंगे ना तो आपको ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब हम इसमें थोड़े थोड़े पानी डाल करके इसे मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से हाथ आप साफ कर लें, हाथ से मिलाएं तो अच्छे से मिक्स होगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमें मिक्स करना है और तो गाढ़ा सर से बैटर ना है इसका तैयार करेंगे, घोल तैयार करेंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें ये सरसों का तेल डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे और एक एक इसमें क्या करेंगे, इस तरह से हम इसमें डिप करेंगे। इस तरह से आप दोनों तरफ से इसे इसका कोट लगा लें और इसको हम क्या करेंगे, इसे हम फ्राई करेंगे। और ये बहुत ही आपको टेस्टी, देखिए ये अभी ही देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। और इस तरह से आप बस इतना ध्यान रखना कि जो घोल जो है ना उस थोड़ा सा मोटा रहे, तो इससे क्या होगा जो दोनों तरफ से अच्छे से लगेगा इस पर। और इस तरह से हम हल्के हल्के हाथों से इसे ज़्यादा मतलब ज़ोर से चलाएंगे सब क्या होगा टूट, इसका जो ऊपर का है ना वो निकल जाएगा, तो इसीलिए इसे हम इसे अच्छे से पलट लेंगे और हम दोनों तरफ से इसे एकदम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। और आपको ये इतना टेस्टी लगेगा ना, जो आपको ये बहुत ही पसंद आएगा, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें इसे भी। और ये हमारा परवल का जो है भाजा वो बनके तैयार है। क्या मेहनत लगा, न ज़्यादा सामान लग, ये देखिए कितना अच्छा देखने में लग रहा है और ये झट से बनके तैयार हो गया परवल का भाजा। अब हम क्या करेंगे, बनाएंगे परवल का भुजिया। ये भी बहुत ही सिंपल है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। अब हम क्या करेंगे, परवल को छील लेंगे और छील कर इसका जो है ना बस इतना ही हम ध्यान रखेंगे कि इसका जो हम कटिंग करेंगे ना, कट करेंगे इसे तो एकदम सब पतला, जितना पतला आप इसको कट करेंगे ये उतना ही टेस्टी लगेगा और जल्दी से बन भी जाएगा और बहुत ही अच्छा बनेगा ये। और इस तरह से हम परवल को कट कर लेंगे और एक प्याज ले लेंगे, ये सरसों ले लेंगे, ये मेथी ले लेंगे और ये हल्दी, ये नमक। बस हमको परवल को जो है ना बहुत पतले पतले टुकड़ों में इसे हमें कट करना होता है और इसे हम ऐसे इस तरह से पतला पतला कट कर लेंगे। और हम इसमें क्या करेंगे, सरसों का तेल थोड़ा सा 1 चम्मच डालेंगे, सूखी हुई लाल मिर्च तोड़ के डाल दें और इसे हम थोड़ा सा लाल करेंगे। अब हम सरसों डालेंगे, मेथी डालेंगे और इसमें हम परवल डाल देंगे और इसका फ्लेम जो है ना गैस का वो हम लो रखेंगे, लो फ्लेम पर इसे हम भुनाएंगे। ये मेथी का जो फ्लेवर आता है ना, मेथी या सरसों का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आपको, तो आप एक बार इसे ज़रूर बना करके देखें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। फ्लेम को हम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर इसे हम भुनेंगे, ज़्यादा भूनना भी नहीं है, ग्रीन ग्रीन। और ये प्याज डाल देंगे, एक प्याज डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, एक प्याज डालेंगे, हल्का सा नमक डालेंगे 1 चम्मच, छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। इसका परवल का जो है ना कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और हम ये देखिए इसका प्याज भी गल गया है और परवल का कलर भी चेंज हो गया है ये। अब इसे हम 2-3 मिनट तक और हम पका लेंगे, ये देखने में ग्रीन ग्रीन भी लगेगा और ये देखिए हल्का सा कलर चेंज हुआ है ना, और ये आपको बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में।
मेथी का और सरसों का जो फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा लगता है। तो यकीन मानिए आप एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो आप जब भी मेरा रेसिपी देखेंगे ना, वो पहले भी हम बता चुके हैं और फिर बता रहे हैं कि जब भी आप मेरा जो भी आप मेरा रेसिपी देखिए वो बहुत ही सिंपल तरीके से होता है, जो आप एकदम झट से बना भी लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा, इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, फ्लेम को लो फ्लेम पर आप बनाएंगे ना। और ये परवल का जो भुजिया है बनके तैयार हो गया है। ये देखिए कलर भी कितना ग्रीन सा लग रहा है। और ये ज़्यादा इसको भूनना नहीं है, आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये चार तरह के जो परवल की सब्जी है ना यूनिक, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। बाय बाय।